बिनारी ब्रिज इसकी इसका नाम है सर 30.2 मीटर की स्पैन है सर और ये 8 अक्टूबर को हमने खत्म किया सर। ये सर इसकी वर्क है सर इसका नीचे का 3-4 ये स्टैम्प सर और सर मेरा डिप्लोमा थी सर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं सर। यही टीम है सर जो यहाँ पे हमारी जो ये हम पहली बार दे रहे हैं कभी भी सर दिन रात वाला चल रहा है तो डे नाइट चलता है सर। ये हमारे अच्छे काम और लंबे समय से दोबारा सम्मानित किया जा रहा है। क्या नंबर है आपने? अशोक सर। अशोक होगी से कितना बड़ा प्रोजेक्ट है और किस तरह से चल रहा है? देखिए ये जो है दयाल तक से रामकोट तक का हमारा ये प्रोजेक्ट है, अभी उसके आगे भी है लेकिन ये 25 किलोमीटर की जो रोड बन रही है अभी आपने देखा इसमें कई सारे ब्रिजेस हैं जिसमें से 4 ब्रिजेस ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं। अभी हमारे माननीय रक्षा मंत्री महोदय 28 अक्टूबर को 75 प्रोजेक्ट जो हैं वो राष्ट्र को समर्पित करेंगे, उसमें से 75 में से 17 प्रोजेक्ट जो हैं इसी प्रोजेक्ट संपर्क जो पूरे जम्मू रीजन को देखता है उसमें से 17 संपर्क के हैं जिसमें 16 जो हैं ब्रिजेस हैं और एक सड़क है। और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जम्मू क्षेत्र का कितनी तेज़ी से विकास हो रहा है। और जिस ब्रिज पर हम बिनादी ब्रिज पर खड़े हुए हैं ये ब्रिज 30 मीटर लंबा है और इसको बनाने में केवल मात्र 90 दिन लगे। ये एक बहुत चमत्कार का विषय है कि इतनी तेज़ी से ब्रिज आज से शुरू किया और 90 दिन में 3 महीने में काम ख़त्म कर दिया। जो मैं ये नहीं बताना चाहूँगा कि पहली दूसरी जो एजेंसियाँ काम करती हैं 3-3, 4-4 साल लगा देती हैं ब्रिज बनाने में, सड़क बनाने में। BRO बहुत तेज़ी से काम कर रहा है और उससे पहले भी जो 3 ब्रिजेस हैं उसमें एक 180 मीटर का भी ब्रिज है जो मात्र 200 दिनों में बना दिया गया। तो आप सोचें इस चीज़ को कि कितनी तेज़ी से रोड बढ़ रही है, आगे ब्रिजेस बढ़ रहे हैं जिससे हमारी जो आवाम है जो दूर दराज के इलाके हैं जो अभी तक जुड़े नहीं हुए थे उनको बहुत फ़ायदा होगा, उनको कनेक्टिविटी मिलेगी, उनके लिए जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, स्कूल की फैसिलिटीज़ हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ हैं, हर तरह की जो स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं, स्टेट की हैं, वो उन तक तेज़ी से पहुंच पाएंगी। तो टाइम पीरियड तो शॉर्ट किया जा रहा है तो क्या जो क्वालिटी है वो मेंटेन होगी? बिल्कुल, जो BRO है बिल्कुल डेडिकेटेड है ना केवल टाइम के लिए, क्योंकि टाइम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हमारे जो आगे वाले क्षेत्रों में आपको मालूम है कि जो आज की सिचुएशन है वो बहुत क्रिटिकल है और उस वजह से हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को, रोड्स को, ब्रिजेस को, टनल्स को बहुत आगे तक लेके जाना है और क्वालिटी मेंटेन करते हुए। जो BRO की सड़कें हैं 60 साल से हम काम कर रहे हैं वो आज तक उनको कोई डैमेज नहीं होता है और जो हमारे लोग होते हैं कोई भी चीज़ होती है तो उसमें तुरंत उस पर कार्रवाई की जाती है। जो परसों मैं सुंगल टनल में गया था, जो पहली इस क्षेत्र में टनल होगी, ट्रांसपोर्टेशन टनल अखनूर पुंछ रोड पर, वो बहुत तेज़ी से उसमें काम चल रहा है। कल हम बनी बसोली भदरवा रोड पर गए थे, वहाँ पर ब्रिजेस का रोड का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और एक प्लानिंग है वहाँ पर छत्रगला के पास में, उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी हमने MORTH में दे दी है जिसमें 7 किलोमीटर लंबी टनल बनाने का प्लान है जिससे ना केवल सामरिक दृष्टि से बल्कि टूरिज्म दृष्टि से भी वो उस इलाके को जोड़ा जाए। उसका पोटेंशियल उस जगह का बहुत हाई है, भालरा और भदरवा का, जिससे लोगों का जो है विकास होगा उस जगह का और लोगों को जो अपने ट्रेड कॉमर्स और बाकी काम है उसमें मदद मिलेगी। और जब ये सारे प्रोजेक्ट्स बनते हैं इसमें करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। केवल मैं आपको बताऊं मोटे तौर पे जो अखनूर से पुंछ की तरफ जो रोड हम बना रहे हैं 200 किलोमीटर की, उस पर 3600 करोड़ का प्रोजेक्ट है वो, और माननीय प्रधानमंत्री महोदय उसको खुद उसको मॉनिटर कर रहे हैं, उसकी इतनी इम्पोर्टेंस है, इतना महत्व है। तो जम्मू रीजन का बहुत ज़्यादा तेज़ी से विकास हो रहा है और BRO उसमें लगातार तत्पर अपना योगदान दिन रात देता रहा है। सामरिक दृष्टि से ये जो BRO की तरफ से बॉर्डर एरिया में जितने, देखिए जब रोड पूरी बन जाती है आगे तक जहाँ पर हमारी फौजें तैनात हैं बॉर्डर के ऊपर,
और उसकी चौड़ाई भी हो जाती है, उसकी वहाँ पर टनल बन जाती हैं, उसमें समय कम हो जाता है जाने में। तो हमारी फौजें जहाँ पर भी हमें उनको लगाना है वो जल्दी से पहुँच जाती हैं और जो भी सिचुएशन होती है उसको तुरंत कंट्रोल कर लेती हैं। तो उसमें बहुत सामरिक दृष्टि से इन सड़कों का, इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ज़्यादा महत्व है और आगे भी यहाँ पर केवल जम्मू रीजन में नहीं, कश्मीर वैली में भी, लद्दाख में भी, इस रीजन में, पूरे रीजन में जो एक ही अभी तक एक ही राज्य का हिस्सा थे उसमें हमारे 5 प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं अभी, और लद्दाख रीजन में खासकर बहुत तेज़ी से आगे तक जो हमारे सीमाएं हैं वहां तक बहुत तेज़ी से हमारी सड़कें बन रही हैं। वहां पर अभी माननीय रक्षा मंत्री महोदय 28 अक्टूबर को जाकर शोक जगह पर जाकर वहाँ पर एक ब्रिज है उसका इनॉग्रेशन करेंगे, देश को समर्पित करेंगे। उसके साथ में 74 प्रोजेक्ट और होंगे जिसमें से 17 जो हैं प्रोजेक्ट वो केवल जम्मू रीजन के हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा विकास जम्मू रीजन में हो रहा है और ये सारे प्रोजेक्ट जो हैं पूरे हमारे लैंड बॉर्डर से हैं, राजस्थान से लेकर जम्मू और पूरा ईस्ट तक। तो उसमें से 17 जम्मू में, कितना बड़ी बात है ये। और 11 स्टेट्स में BRO काम कर रही है, 3 UTs में काम कर रही है, JNK, लद्दाख और अंडमान में भी काम कर रही है। तो उसमें आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा इसमें गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें अपना फंडिंग कर रही है और कितनी उसको मॉनिटरिंग कर रही है, कितनी अच्छी तरीके से इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को और कितनी तेज़ी से उनका कंस्ट्रक्शन हो रहा है।